मेरा निवेदन है अपने अपने स्थान पर आकर के बैठ जाएं। मां साहब अभी एक ध्वनि और बजाओ। एक आदमी इधर से आए थे और पर्दा के पीछे मेरे पास आए और मुझसे बोले, गोपाल जी ये जो गीत गा रहा है मंच पे, सच कहना भारत की नारी किसको अपना कहे पति, कम से कम 20 बार तो रामलीला ग्राउंड केलाम देवी के मंदिर पे देवेंद्र शर्मा जी ने गाया है इसे, तो कम से कम कुछ नया तो लेकर आते। पर चलो तुम्हारी सोच अच्छी है, तुम पुराना गा रहे हो, अच्छी बात है गाओ। एक छंद गाया मैंने, सेनापति राजा से कह रहा है, महाराज जिस जमीन पे तुमने जन्म लिया वो जमीन तुम्हारी कहां गई, अब प्यारी रुक्मिणी भाग गई, गोपाल के संग में तो मर्दनी तुम्हारी कहां गई। अब पलंग तक आगे रहे लल्लू, अगर कोई नौकर ऐसे कह जाए तो बाकी नार काट देंगे, सूचना देने के बाद भी कभी गर्दन नहीं काटी जाती, जो सूचना देता है उसकी कभी गर्दन नहीं काटी जाती है। उसने सिपाही ने सूचना दी कि तुम्हारी रुक्मिणी भाग गई है कन्हैया के संग, अब तुम तो सूचना दे वाली गर्दन काट दूंगे। भाई अच्छा जो सूचना दे वही गर्दन काट दे दो। मनोज भैया की मम्मी 15 दिन आते हॉस्पिटल में मरती और डॉक्टर नहीं आके सूचना रही, भैया मम्मी खत्म आएगी, तो एक बार काट दे डॉक्टर भी, भाई डॉक्टर ही नार काट के आए होंगे तुम ना सीधे। मतलब कितनी बात, भाई नौकर का काम क्या है अपने मालिक को बताना। अब वो कह रहे कि राजा लड़वे चले हो, सेनापति नहीं रहे हो, अब कौन को जवाब देगो। मनोज भैया विजेंद्र शर्मा सम्राट है, पर तुम्हें तो कुछ मिलावट है ये भाई, तुम्हें एक गुण विजेंद्र शर्मा को होती है क्यों नहीं है, क्योंकि तुमको ये होश ही नहीं है कि जब राजा लड़ने के लिए जाएगा तो वो सेनापति को छोड़ कर नहीं जाता है, जब भी राजा लड़ने के लिए जाता है तो उसके साथ ही उसका सेनापति जाता है, सेनापति को कभी छोड़ कर नहीं जाता है। अब तुम कह रहे हो स्वयं भू ते पैरा भय भोलेनाथ, चाहे या तुमको स्वयं भू नाम पड़ेगो, स्वयं भू नाम शंभू ही है। तुम्हारे साथ में ये ढोलक बजा रहे हैं, इनका नाम है मुकेश पंडित जी, और ये विद्वान जनता यहाँ पर बैठी है। तुम कह रहे कि धरती से पैदा हुए भोलेनाथ, धरती से पैदा नहीं हुए भोलेनाथ, लिंग पुराण के प्रथम अध्याय में, लिंग पुराण के प्रथम अध्याय में तुम देखना, एक बार ब्रह्मा जी को अहंकार हो गया कि मेरे जैसा बड़ा धरती पर कोई नहीं है, तो उन्हें सुनो पहले, अगर समझ में आ जाए तो बजा देना ताली। ब्रह्मा को अहंकार हो गया कि मेरे बराबर कोई बड़ा नहीं है, तो ब्रह्मा को विष्णु जी मिल गए कि इस यहाँ पर संसार में मैं अकेला हूं, तू यहां कहां से आ गया, तो विष्णु जी कहने लगे तुझसे बड़ा मैं हूं। जब दोनों को अहंकार पैदा हुआ तो वहां पर जलता हुआ खम्मा प्रकट हुआ था और ब्रह्मा और विष्णु
उस खम्भे की खोज में गए थे, और जब लौट करके वापस आए तो जलते हुए खम्भे से पैदा हुए थे शंकर भगवान। ये लिंग पुराण के और मुकेश पंडित जी तुम पर मेरी लिंग पुराण भी है। जब तुम मेरे अरे पूछ रहे हो यार, जब मेरे संग ढोल बजा रहे हो मतलब लेट आएगा मैं नहीं भी ढाई हजार रुपए एडवांस लेके बैठे हूँ ना दे लौट आएंगे। एक बात और कह रहे, देखो देखो कितना बड़ा बेवकूफ है और बनाए हुए बेवकूफ रहो है बोले जी के बयान पर मन क्या लेख को हुई तुम्हें सवाल है यार बोले जी का विवाह कौन से युग में, सुनो बोले जी का विवाह कौन से युग में हुआ था, सत्ययुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में? सत्ययुग में हुआ था सती से विवाह, त्रेता में हुआ था पार्वती से, और पार्वती से बाबा भोलेनाथ का अंतिम विवाह था। अब भ्रमण क्या चलिए द्वापर में, जब कन्हैया जी ने बबरी का सर काट करके छोकरा के पेड़ पर लटकाया था तब से भ्रमणिया चली है, उससे पहले भ्रमणिया तो थी नहीं। अरे कहीं बिजन दस रहा भाई पड़ोसी पड़ोसी को मम्मी मम्मी पे का तो पूछो मेरे पास आ जाओ। वो कह रहा था प्रमाण दिखा दे कि भोलेनाथ धरती से पैदा नहीं हुए, तो पुस्तक तो लेकर मैं नहीं आया लेकिन एक प्रमाण है मेरे पास, मैं आपको दिखा दूंगा भोलेनाथ धरती से नहीं जलते हुए खम्भे से पैदा हुए थे। इधर आ जाओ मेरे पास, मैं आपको दिखा दूंगा और आप ही बताओगे कि सही है या गलत है। इधर आ जाना मेरे पास और सुनो छंद की शुरुआत। तेरी बहना गोपाल को सुनो, तुम्हारे लिए दोनों बराबर हैं, हम तुम्हारे लिए हम दोनों बराबर हैं, क्योंकि आपने हम दोनों को बुलाया है, पक्षपात मत करो, ठीक है? सही है ना भैया? पर तुम्हारे का दोनों बराबर हैं, उनकी बात मत मानो, खुद में करेगा चुप रह तू, कभी बोले ही मत, ठीक तो करें? आज तो चुप ना रहोगे, चलो प्रोग्राम करा रहे हो, तुम्हें हम बुलाए हैं, चाहे गुरु मानियो कर ले। आगे चल रहा है और जब राजा चल रहे तो वो सेनापति पीछे पीछे चल लो भाई, राजा के लिए मरेगा थोड़ी छोड़ो, तो आगे आगे राजा जा रहा हूँ, पीछे पीछे सेनापति जा रहा हूँ, फिर कहते जा रहा हूँ हाजी मरो जी बाबू सेनापति, फिर कह रहा हूँ सेनापति का वो चुप होता है जी वो कहेगा तो ये बोले बेटा तो ये तो सुनो तेरी बहन और गोपाल को मेरे काफिया थे पहले बात तुम्हारी लड़वे की ना है औकात, और तुम क्या कह रहे हो बड़बड़ की बातें कह करे फेंक रहे हो चो हाथ हाथ, तो उसमें था शब्द होता है हाथ, और फिर कह रहे के घुसा पे लात हाथ और लात बदल गया काफी मिल नहीं रहा है आपका, और एक एक शब्द को पकड़ लेना ही तो रसिया बाजी है। जब ये कह रहा हूं तुम ज्ञान ले ना पाए धनते और जो कह रहा हूं भाभी चलो भाभी कह रहा हूं बहन के मिलकर करेक्टर लूजे तेरा करेक्टर लूजे, अगर करेक्टर अच्छा होता तो मैं बहन मानता भाई भाई आचार विचार तेरे अच्छे होते तो बहन जी के तो भाभी से कह रहा है भाभी बहन बना हाँ जी और तेरी बहन गोपाल के संग बितावे दिन और रात, ये संग बितावे दिन और रात, चली गई मोहन ना लाए बरात, उधर से आप कह रहे एक छोटी सी बात पे अब चौंक कर रहे हो छाती चौड़ाए
और बापे मेरो बार कटे ना गोपाल दो बापन को लोड़ा है यो गोपाल दो बापन को लोड़ा है और चोड़ा है और लोड़ा है वाह बोले सी लग रही है होली भी आई ना तुम सारा पहली पी नहीं अब गोपाल तो दो बापन को लोड़ा है पर अब छह सौ तो है चाहे तो दो बापन को गोपाल चाहे पांच बापन को है अब तेरी बहन तो वहां के संग चली गई अब तू एक काम करे अरे चुपचाप गोपाल जी जा मान ले अच्छा गलत तो ना अब बोल अरे देखे चुपचाप गोपाल जी जा मान ले अरे जी जा माने तो तू वो माफ कर जावेगो जी जा माने तो माफ कर जावे भैया अगर तू चीजा माने तब तो माफ कर जावे वो लोग तो उसके चरणों की रज के लिए तरसते माने तोते तो रिश्तेदारी बना लिए अरे चीजा माने तो चीजा माने तो तो माफ कर जावे वो और चाय के पाम पकड़ गोपाल के तू भव सागर से परे तभी तो जो मरेंगे
से बात आई। सच कहना भारत की नारी किसको अपना कहे पति। ये भारत की जो नारी शब्द इसमें पड़ा हुआ है, भारत की नारी, अगर इस शब्द को देखकर के जवाब दिया जाए तो जहां पर उसके पति के चरण हैं केवल वही उसका पति है। बेटा आपका एक वर्ड केवल देखा जाए, एक वर्ड, सच कहना भारत की नारी किसको अपना कहे पति, तो जहां पर पति के चरण हैं केवल वही उसका पति है। अगर भारत की नारी की बात की जाए तो ये जवाब बनता है। क्या बात है। और अगर पहुंच जाओ ग्रंथों में, अगर ग्रंथों में पहुंच जाओ तो ये फिर बहुत बड़ी कहानी है, उसका जवाब उस तरीके से है। मैं अपनी कविता के माध्यम से तुम्हें दे रहा हूं कि इस कहानी में आगे क्या हुआ था और उस औरत ने आखिर किसको अपना पति माना, जहां पर पति का सर था उसको पति माना या जहां पर पति का ये शरीर था उसको अपना पति माना। ये मेरे जवाब के माध्यम से आप लोग सुनिए, और अगर तुम्हारा दिल कहे कि बच्चे का जवाब सही है तो मैं बच्चा हूं आपका केवल तालियां चाहूंगा। और ये विजेंद्र गुरु के हाथ का लिखा हुआ गीत है तो मेरी कोई औकात नहीं है कि कलम रख दूं फिर भी रख रहा हूं मैं। अब मां वहां पर प्रकट हो गई और उस औरत ने पति के धड़ पे यार का सर, यार के सर पे पति का धड़, जल्दी में उसने जोड़ दिया। यहां पर तुम्हारी कहानी खत्म हुई, अब बताना कि तो पति किसको मानेगी। तो सुनिए, उल्टे सीधे शीश जोड़ दे पत्नी की मारी गई मती, अरे मैया मुझको तू ही बता दे मैं किसको अपना कहूं पति। औरत ने अपने ऊपर कुछ नहीं रखा, सब मैया पे छोड़ दिया कि मैया तेरे ही प्रताप से ये जिंदे हुए, अब तू ही बता दे मैं किसको अपना पति मानूं। अब मैया मेरी तू ही बता दे किसको मैं अपना कहूं पति। आगे वाले तो मैया कहने लगी, अरे देवियों कहने लगी तुझे सारी दुनिया जानेगी, जहां पर तेरे पति का सर है उसको पिया मानेगी, जहां पे तेरे पति का सर है, सर पति का है और घड़ियार का है, तू उसको पिया मानेगी। तो पत्नियों कहने लगी यार के धड़ से अलैदा ना होंगे, यार के धड़ से कभी मेरे देखो बच्चे पैदा ना होंगे। अगर जहां पति के सर को मैं अपना पति मानू तो धड़ यार का है, बच्चे कैसे होंगे, तो मेरे बच्चे पैदा ना होंगे। तो जहां शीश था उसके पति का, जहां पति का शीश है और यार का धड़ है, अब चाहूंगा पीछे तक ताली अगर जवाब आया समझ में, जहां शीश है उसके पति का उसको मोर बनाया है और उस पत्नी को बनाया मोरनी, ये महामाई की माया है। जब जब तेरे पति का सर रोएगा, जब ये पति का सर रोएगा तो एक सती तू है जाएगी और पति के आंसू पी करके ही गर्भवती तू। ये पूरी कहानी है तुम्हारी। ओके जी, अगर तुम भारत की नारी की बात करो तो जहां चरण है वो पति है, लेकिन पुराण क्या कह रही है ये तुम्हारी टोटल कहानी है। जितने लोग पैसों से आशीर्वाद दे रहे हैं मैं उनसे भी आशीर्वाद की कामना करूंगा, और जो तालियों से आशीर्वाद दे रहे हैं मैं उनसे भी आशीर्वाद की ही कामना करूंगा। अरे पत्नियों कहने लगी यार के धड़ से अलैदा नहीं होंगे, यार के धड़ को जो पति मानूंगी तो बच्चे पैदा नहीं होंगे। तो जहां शीश था उसके पति का
उसको मोर बनाया है और उस पत्नी को महामाई ने बनाया मोरनी, ये महामाई की माया है। और पति रोएगा इस धड़ को देख के, जब जब ये सर इस धड़ को देखेगा यानी जब जब ये मोर अपने शरीर को देखेगा तो रोएगा, अगर ये यार का शरीर नहीं होता तो मैं भी अपनी पत्नी के साथ संभोग करता। तो जब ये रोएगा, अरे रोएगा सर तेरे पति का, तो एक सती तू है जाएगी। अब पीछे तक कहूंगा ताली ना, अरे पति के आंसू तू पी लेना और गर्भवती तू है। अब एक ऐसी ही बात मैं पूछ रहा हूं आपसे, पूछूं? आप रहे बताओ। अब ये सुना है जाके पल्ले में वो जवाब नहीं दे, मेरे पर्दे का जवाब नहीं दिया भैया ने। पांच पर्दे आए थे मैंने, मेरे पर्दे को बराबर से लड़ा देते, पर्दे के बराबर लड़ा देते, कर दे या भर दे, ऐसे करके तुम बराबर से जवाब दे देते, जवाब तो ही जाता। पूछ बारे सभी नाएंगे भाई निकलिए। अब देखो एक सवाल मेरा, मेरे ध्यान से सुनिएगा, उधर से फिर जवाब सुनना। जवाब सही हो आ जाए आपकी समझ में तो फिर उनको भी तालियां बजाना जैसे मेरे लिए बजा रहे हैं। बोले बोले ध्यान से सुनना, अरे कैसे है ये रिश्ते नाते हो, समझ के तुम जवाब देना, मालूम पड़ जाएगी सब होशियारी, कैसे रिश्ते नाते हैं ये, कैसी है रिश्तेदारी। अरे कैसे रिश्ते नाते हैं ये, कैसी है रिश्तेदारी। अब सुनो, एक राजा था बड़ा दयालु, नसीब ना उसका हेटा था, उस राजा के पास में देखो बस इकलौता बेटा था। हर काम करे जो नाम करे, बेटे का ही फायदा करता था, और हर बड़ी चीज तुझको दूंगा बेटे से वो फायदा बेटा है। बड़े ध्यान से सुनिए, आपको जवाब नहीं देना है मुकेश पंडित जी। हर बड़ी चीज तुझको दूंगा अपने बेटे से वायदा करता था, और प्यार करे अपने बेटा के, क्योंकि नहीं बेटा की वो मेहतारी। कैसे रिश्ते नाते हैं, कैसी है ये रिश्तेदारी। एक दिना बाप और बेटा अपने मन हर्षा रहे थे, घोड़ाओं पे सवार हुए वो शिकार खेलने जा रहे थे, घोड़ाओं पे सवार हुए शिकार खेलने जा रहे थे। वन की छाया और हरियाली उनके मन को भा रही थी, सामने दोनों ने देखा आगे से माँ बेटी आ रही थी। अब माँ और बेटी है, और बाप अपने बेटे से वादा करता है कि जो बड़ी चीज होगी वो तेरी है और जो छोटी होगी वो। बाप ने अपने बेटे से कहा तू आजादी कर लेना, मैं बेटी से करता हूँ और तू माँ से शादी कर लेना, मैं बेटी से करता हूं और तू मां से शादी कर लेना। बाप ने शादी करी बेटी के,
और बेटा ने पहले ही मेहतारी, बाप ने शादी करी बेटी के और बेटा ने वो पहले ही मेहतारी। इधर खासमा बेटा है, उधर खासमा बेटी है। बेटा ने माँ से शादी की है और बाप ने बेटी से शादी की है। बेटा ने ब्याह ली मेहतारी। अब समझ में आया हो तो पीछे तक चाहूंगा आशीर्वाद। अब इन चारों का रिश्ता क्या है पूछ रही है दुनिया, चले होशियारी है मनमोहन के और आगे तेरी, और ना एक चले होशियारी है। मनोज भैया और मुकेश भैया इस बात को दिमाग से निकाल दो कि शंभू भूसे पैदा हुए, ये धरती नहीं थी, उससे पहले शंभू पैदा हुए थे। इस बात को दिमाग से निकाल लिया आप तो जब तक नहीं निकाला तब तक शराब ही चली रहेगी दिमाग में। अच्छा वो पीवा बंद करो भाई, तुम जो गलत बात है बिल्कुल। देखो मम्मी पापा सब के मरते, मेरे पिताजी मेरे सास्ता भाई, मैं तो शराब पी मत रहा हूँ यार। तो आप भी मत पियो शराब, में बड़े बड़े निकल खाने बंद करा दे, बहुत वो तो खाने बंद करे तब तुम चील दे अला रहे भाई। फिर तुम्हें शिक्षा दे रहा हूँ, छोटे के नाते फिर तुम्हें बात मानो या मत मानो तुम्हारी बात है भैया ना। हाँ जी त्यारी ना एक चले होशियारी और काए तू और तू मर में जा रहे हो और वहां है जाएगी तेरी। चीर बढ़ गया तब वो हो गया बंद। अब यहां से एक बात और चल रही है मेरी तरफ से और लगा मासा बहुत दिन आ गए बलम जी में सावन सवर मनाऊंगी, मेरे भैया है वो मुझे मारे बाकी है। मेरी बर पर भजन तुम मेरे पूछे मेरा है और पर लड़ लियो मेरी बर पर कागज तुम मेरे पूछे मेरा होगी। देख के बहुत बदिना, ये बहुत बदिना है कहे पलम जी,
मैं भी तुम कह देना अगर उल्टी सीधी सुना के वो वहां पे चले गए तो जो बंदे आएगी अगले में और आएगा मेरा कोई कमी ना है सिग्नल की, तुम बंद करवाओ हम गायबो करेंगे। कितने तारे लगाओ, तेरे तारे खत्म हो जाएंगे, चलो तू आतर से लगो और हमारे अलीगढ़ से लेके हमारे रेंज के तारे हैं, ते आतर से लगा है लगे लगा सुना आतर से में ठंडा हो तो दे दे भैया बड़ी कृपा होगी तुम्हारी। अरे ठंडा ते मर गया लाओ देव। अरे ये थप्पड़ दे। अरे लोटा तुम में सिंह ना ले जा रहा, लोटा तुम दे दो। वो कह रहे कि माता बहना बैठी है तो मलार आ रहा हूं मैं, और मलार कौन सी गई, वो सड़ी सड़ाई, सड़ी सड़ाई गई है सू। अरे मेरे भोला और कह दे तो पी हर जान, चाटकी ने आवाज कम करवा ली थी, चाटकी हल्की नहीं जा रहा है। अरे मेरे भोला कह दे तो पी हर जाऊं, गीत गाया वो सड़ो सड़ायो तो मलारो पबलू और मुकेश को बात का जीवन में करो यारो, जो पबलू है तमाम पर को नाचे बारो और वो करके इंटा मुकेश जीवन में करो यारो वो बात का। अरे कुछ नया मेटल लेके आओ यार, और देखो मेरी तरफ से खबर ये और से जवाब दिला देख। अरे झंडा ले उखाड़ यहां पे, ओ हो हो हो, अरे झंडा ले ये झंडा ले उखाड़ यहां पे, ओ हो हो, अरे झंडा ले उखाड़ यहां पे, झंडा ले उखाड़ यहां पे, और जिन पे तमू तने गो हमारो है, अरे झंडा शुरू होने वाला था तो मैंने भैया से कही कि भैया एक काम करो कि इन पे चालू कराओ कार्यक्रम में, तो वो लोग पुनः चालू करेंगे, वो हमारे घर के तुम चालू करो। तो अब तक तो झंडा ऊपर आ चुके, खत्म हुए मामला तुम्हारा देख, और झंडा कौन को बनेगा ना सुनी देख। अरे झंडा लो उखाड़ यहां पे, और यहां पे तम्मू तने गो हमारो है, गंगा जी की पारे पे कह रहे हो जे उदल मोहे, चलामेंगे और पहले यहां पे बड़ा देखिया तो अपनों और उखाड़ ले तंबू या फिर तलवार, चलामेंगे और पहले तेरी और नारे काटेंगे हम पीछे गंगा।
मांगेंगे और पहले तेरी जिन्नार काट दे आदि उस्ताद। अब इसमें गलती है मल्हार। अरे होएगी लड़ाई, अरे होएगी, अरे होएगी लड़ाई, अरे होएगी लड़ाई आज गंगा जी की पार पे, लड़ाई गंगा जी की पार पे, लड़ाई गंगा जी की पार पे, ओ हो आज है जाएगी चाहिए और तब तब राजा देखो तुमने अपनी जान बचाई है। भैया जी ये इंसान की सोच के ऊपर निर्भर होता है। छंद में मैं सेनापति बना और तुम्हें राजा बनाया था। मैं सेनापति बना था और तुम्हें क्या बनाया था? राजा। तो वो क्या करे? मैं विलन बना दो साहब। विलन अपने आप को तुम विलन मान रहे हो, यानी मैं तुम्हें राजा बना रहा हूं और तुम विलन मान रहे हो। तो देखो इसमें भी हम रेतवा बन रहे हैं और तुम्हें हम दिल्ली के राजा बना रहे हैं। हम रेतवा बन रहे हैं और हम तुम्हें दिल्ली के राजा का पक्ष दे रहे हैं। अब मत की होगा विलन बना दो। अरे जब जब राजा तुम लड़े हुए आए तुमने अपनी जान बचाई है। और आज समर में और हे जाए राजा और कोई देखे देखे खून न को है। एक बात और लगाते थे पहले। अरे पहर कभी और रसिया कभी गयो और गोपाल मुड़सान बारे को। अब जी आते बारे और पेड़ों देखे पांच बजे के छे को इगलास के पास और काम बसे मेरो। देखो काम का नाम भी इसमें सेट होता है काफिया में। और मेरे काम को नाम सहारो है। अरे गंगा जी की पार पे है। अगर इस नंबर में 10-5 मिनट मेरी ज्यादा हो जाए
तो आप अनुमोदन देना करो। गीत मैं अपनी तरफ से रख रहा हूँ। पहले नंबर पे गीत रखा था शंभू नाम क्यों पड़ा, उधर से कह रहे मैं बताया तुम सा ना बता पाया तो विजेंद्र शर्मा के अंश ना है तो और के अंश कह दिया। अब बताई कहा कि वो धरती थे पैदा भैया जय हो भैया। अब हम कहा कहना कहते भैया तू ही जाने थे काम जाने ना। अच्छा अब एक गीत मेरी तरफ से आप लोगों के चरणों में और मुझे उम्मीद है कि मेरे इस गीत को एक वर्ष तक आप लोग याद करोगे। भैया मास भाई सर जो तुम धर्मास कर रहे हो मैं वही जा रहा हूं। चलो उस गीत को मैंने जिस दिन लिखा था उसी दिन से ये रसियाबाजी बंद हुई थी। अरे गीत रखा का रखा रहेगा बड़ा अच्छा गीत था मेरा। भैया मास शिवरात्रि के मेला लगे मैं
तो रही मंदिरन पे जा, मंदिरन पे तो जा रही है पर चित बता दे जा बक्सा में हतुका है तेरे में, बक्सा में हो जा, बक्सा में लेके मंदिर में बका करेगी जाएगी। हाँ सुने, हाँ तुम ले लो चाहे तुम ले लो। अच्छा तुम ले लो चाहे तुम ले लो, तुम ले लो चाहे तुम ले लो, लेने में ना कोई पेच। अरे तुम ले लो चाहे तुम ले लो, लेने में ना कोई पेच। मैं तो भर के बक्सा शीश पे रही हूँ मूर्ति। अच्छा मूर्ति बेच रही है तू, तो पर तू बाद में नहीं पूछ आवा तो नहीं लगा ले दुकान। यहाँ के बड़े भक्त हैं भगवान के, यहाँ के आदमी खूब दुकानदारी होगी तेरी, या पैसा होंगे। अरे दुकान तो खोले ना, पैसा को ठिकानों में बनेगा। आगरा वाली पैसा देंगी, आगरा वाली तो हर जगह देते हैं कि पैसा, यहाँ तो और ज्यादा देंगी। नहीं लग रहा खोल के दिखा दुकान। अरे संभाल के रख ले, ज्यादा भारी है भैया, सारो लग रहा यार। हाँ मेहनत कर रही है तो पसीने आ रहे हो, क्या कर रहे हो? हाँ जी अब बता मोए, जामे मूर्ति तो बेच रही है पर तुझे बता पहले मूर्ति काय काय की है जो भाई। हाँ तो पे मूर्ति काय काय की, अपने इतने भक्त बैठे भगवान को जो गिरा कहते रहे जो मन ले। अच्छा ये सब पैसा देंगे, पैसा देंगे तो तुम मान लेंगे मूर्ति लेंगे। बोलो बोले अब सुने। हाँ मेरे बक्सा में राम, और ये हमारे के एस स्टूडियो वालों का ये यूट्यूब लगा हुआ है। मैंने आपका बहुत नाम सुना है और तो मेरी हार्दिक इच्छा थी कि एक बार आपके YouTube पर और मेरा कार्यक्रम बन जाए, क्योंकि मैं अपने कार्यक्रमों में से YouTube को बैन करा रहा हूँ, मैं YouTube नहीं लगवाता, बंद करा देता हूँ। एक बार इच्छा थी कि आपके YouTube पे मेरा कार्यक्रम चल जाए, और आज मेरी वो इच्छा यहाँ पर आकर के जनता ने पूरी कराई है। एक बार जोरदार तालियां स्टूडियो वालों के लिए हो जाए। और ये कार्यक्रम के एस स्टूडियो यूट्यूब रिकॉर्डिंग सेंटर की तरफ से आप लोगों को यूट्यूब पर नेट पर भी दिखाया जाएगा। अपने इस कार्यक्रम को आप कभी भी देख सकते हो। ये आपका कार्यक्रम हमेशा के लिए अमर हो गया। एक बार किन लोगों के लिए तालियां बजा दे जो हमारे कार्यक्रम को अमर करते हैं। हाँ तू क्या कह रहा? मैं कह रहा हूँ तो काय काय की मूर्ति है जी बता। मूर्ति हाँ तेरे बक्सा में काय काय की। मेरे बक्सा में राम, तो आनंद आता रहे तो आप लोग आशीर्वाद देते रहे, और हमारी माता यहाँ बैठी है वहां से भी तालियां मैं सभी से चाहूंगा। अरे मेरे बक्सा में राम, मेरे बक्सा में राम, मेरे हाथों में श्याम, मेरे बक्सा में राम, मेरे हाथों में श्याम, मैं बेचू सुबह और शाम। मेरे बक्सा में राम, मेरे हाथों में श्याम, मैं बेचू सुबह और शाम। मूर्तियां हनुमान हनुमान की, दुकानदारी हेरे करी करा देख ले। सही कह रही थी। हाँ और बता काय काय की। गारंटी को सोना है आदमी चीज सोना रखता है। अरे एक नंबर का काम लगा को देख ले जरूर बिना आदमी चले जाओ। अच्छी चीजें बिना देखे ही ले ली जाते हैं। मेरे बक्सा में राम, बक्सा में राम, मेरे बक्सा में राम, मेरे हाथों में श्याम, मैं बेचू सुबह और शाम। मूर्तियां हनुमान की, मूर्तियां सुबह और शाम। मूर्तियां हनुमान की,
मूर्तिया हनुमान की मैं कहती चिल्ला के हर मंदिर पर जाके, अरे मैं कहती हूँ चिल्ला के। और अगली लाइन और अगले भगवान का नाम तो ऐसा आ रहा है कि आप लोग तालियां बजाने पे मजबूर हो जाओगे। अरे मैं कहती हूँ चिल्ला के देखूं और बोलूं मंदिर पे जाके, मंदिरों पे जाके मैं बेचू चिल्ला के मुख पे मूर्ति, अरे मूर्ति शंकर भगवान। अच्छा इतनी तो तेरी बिक गई, अब और कोई नई मूर्ति हो तो बता। आते हैं तो बता फिर। मैं कहती हूँ चिल्ला के देखो सब यहाँ पर आके, और बड़े ही सुंदर लगते हैं मेरे वो मनमोहन मथुरा के। सुंदर लगते हैं मेरे मनमोहन मथुरा के, मथुरा के। और कन्हैया तो अकेले ना मिलेंगे, क्यों बिल्कुल ना मिलेंगे, सब अकेले सुनो मिलेंगे। तो अगली लाइन ऐसी मैं बोलूंगा बाद में, जितना पहले बोलेगी। और आवाज आनी चाहिए के का आनंद काटे सबकी व्याधा, कन्हैया अकेले ना मिलेंगे, कौन मिले संग। अरे काटे सबकी व्याधा और श्याम के संग में, अरे काटे सबकी व्याधा श्याम के संग में राधा, ये मूर्ति करुणा निधान की। एक बार बुआ जी के लिए जोरदार तालियां सभी की हो जाए। क्या बात है, हाँ जी। ये मुन्नालाल मुकेश सिंह और पूरन सिंह की जो सरेज है भैया, ये पर्चा लगकर खुद दिया है इन्होंने, ये बहुत अच्छी बात है। हम तो इनसे बुआ जी कहते हैं, चार पांच साल से ये तमिलों में हमें मिल रही है, तो हम तो ऐसे ही इनसे बोलते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां, एक बार और हो जाए क्या। और तुम वीडियो बनाना बंद करो, एक बार तुम मंच पे आओ, एक बार आओ, इधर आओ। ये देखो कितने बड़े शौकीन है, आगरा के रहने वाले हैं। और जहां पर भी दंगल होता है तो ये दोनों पति ही पत्नी रसिया सुनने के लिए जाते हैं। कहां इन्हें पता चल जाएगा दंगल हो रहा है, एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। तो दोनों चोरा से रसिया सुनने के लिए बोलो खेले वाली मैया की। अब अगली पंक्ति क्या कह रही है, अरे काटे सबकी व्याधा के काटे सबकी व्याधा श्याम के संगम राधा। अरे राधा संग में संग छोड़ा थे। अच्छा जिम मूर्ति करुणा निधान की, और मेरे बक्सा में राम मेरे हाथों में श्याम, बेचू सुबह और शाम मूर्ति ये। और सुनो, हाँ बता और काय काय की मूर्ति है तो पे। मो पे ब्रह्मा विष्णु महेश, कौन कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश। अरे मो पे ब्रह्मा विष्णु महेश जो काटे सर्व। और अगली पंक्ति पर भी एक आदमी की तालियां चाहूंगा, तो नाम ही ऐसा रहा है, भोले जी तो पूजवान है ही, लेकिन उनसे पहले भी किसी की पूजा होती है। के वो पे ब्रह्मा विष्णु महेश वो तो काटे सर्व कलेश। और एक मूर्ति और है, और कौन भी है, अरे जो सबसे पहले पूजते हैं वो है गौरी के लाल कलेश। फुलवारी खिलेगी तो लक्ष्मी संग मिलेगी,
अच्छा लक्ष्मी के संग मिलेंगे गणेश। हाँ भाई वाह। मुपराम लखन और जानकी। मुपराम तो काफिया कैसे कट रहा है गणेश पंडित जी? अरे मुपराम लखन और जानकी जे मूर्ति शंकर भगवान की। बक्सा में राम मेरे हाथों और अत्या कोई है? अरे बक्सा बहुत बड़ा है। और बता कौन बोल रही है? और अत्या? हाँ बता दो। सुने शनि देव की मूर्ति काली। शनि देव की मुंह पे मूर्ति है? शनि देव की है। हाँ तो बढ़िया। शनि देव की मूर्ति काली और बेसण भरे झोली खाली। बेसण देवी की बताया? अच्छा के शनि देव की मूर्ति काली और बेसण भरे झोली खाली। हाँ सुनो और बताओ क्या कहनी है? कि बड़ी ही सुंदर लगती है हमारी वो माँ से रावाली। देख ले माँ खेरे बाली भरे सब की झोली खाली। और पीछे तक तालियां चाहूंगा। अरे बड़ी ही सुंदर लगती है हमारी वो माँ से मैंने इनकी पहचान की कि चलिया में राम मेरे हाथों में सा चार पांच मूर्ति हो रही है। बता दे और तुमको एक बात को धंधा काट बताऊ? हाँ एक बात और बता दे मोटर। हाँ तू कौन तो रेडीमेड लेके आते हो घरे बना बोलते कला कारा बोलते तू भाई बता नहीं बजा बुझे लाके ले एक बार क्या बात है सुने। भैरो आन बधाने भीर एक मूर्ति तो वो पैसी है बहुत जोर की बड़ी अच्छी लगती है वो मूर्ति देख रहे हैं। सबकी बदल दे तकदीर। और अगले देव कैसे आ रहे हैं आप लोग तालियां नहीं रोक पाओगे अपनी। देख के भैरो आन बधाने धीर सबकी बदल दे तकदीर। नीले घोड़े पर बैठे हैं हमारे वो बाबा चार वीर। अरे नीले घोड़े पे बैठे हैं हमारे बाबा जाहर भी। नरसिंह साथ मिलेंगे नरसिंह मिलेंगे संग नरसिंह साथ मिलेंगे संग गोरखनाथ मिलेंगे। के नरसिंह साथ मिलेंगे गोरखनाथ मिलेंगे। गोपालिए गोपालिए मूर्ति चौहान की ये मूर्ति पकोगा चौहान की। वो पे मूर्ति शंकर भगवान की और मेरे बक्सा में राम मेरे हाथों में श्याम मैं बेचू सुबह और शाम। मूर्तियां हनुमान हनुमान की।